नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्वदेशी अदालत में। दोस्तों, अभी तक जितने भी मेरे वीडियो आए हैं, आप सभी मित्रों ने इसको सराहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका सभी का अभिनंदन करता हूं एक बार फिर अपने चैनल में। आज का विषय है समय प्रबंधन। दोस्तों, आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे उन युवा दोस्तों के लिए है जो अभी अपने विद्यार्थी जीवन में हैं। वैसे तो समय का अगर हम देखें महत्व, सभी के लिए है। आप देखिए, एक सेकंड की देरी की वजह से अगर किसी की ट्रेन छूट जाए तो उस इंसान से पूछिए कि समय की वैल्यू क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतिम क्षणों में किसी को कोई बात बताना चाहता है, कोई गुप्त बात, और अचानक उसकी सांस से छूट जाए तो उससे पूछिए कि समय का महत्व क्या है। तो मैं आज बात करूंगा अपने उन सभी युवा दोस्तों के लिए जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जिनके लिए समय की महत्ता बहुत ज़्यादा है। और कहते भी हैं कि बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, समय अमूल्य निधि है। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एक श्लोक है, उसकी एक लाइन है, आलसी कुतो विद्या, आलसी आदमी कभी भी विद्या पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आलसी होना वर्जित है। दोस्तों, कई बार हम सोचते रहते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे करें, स्मार्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। बहुत से लोगों ने अपने टाइम टेबल के नए नए तरीके बताए जो स्टूडेंट्स मैनेज करें, लेकिन मैं आपके सामने आज फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की बात करने वाला हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुबह पढ़ना चाहें, कई बार हो सकता है हम दोपहर में पढ़ना चाहें, कई बार हो सकता है हम रात में पढ़ना चाहें। तो अगर पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से हम फिक्स कर दें कि इस समय इस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और हम उस समय उस सब्जेक्ट को ना पढ़ पाएं, तो अचानक हमें कुछ पछतावा होने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं पहले सबसे बात करूंगा जो बच्चे 9th-10th के हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए अगर वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप स्कूल जाते हैं, 9th और 10th के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों आप क्या करें, सुबह 1.5 घंटा, दोपहर में आप करीब करीब 1 घंटे के आसपास, और रात में फिर 1.5 घंटा, आप इस तरीके से 4 घंटे आप पढ़ें रेगुलर। और ऐसा तब तक करें जब आप तो दिसंबर तक पढ़ते रहते हैं, और बीच में जब आपकी छुट्टियां पढ़ें, प्रिपरेटरी लीव जिसको कहते हैं, या स्कूल थोड़ा जाना कम कर दें, तो उस समय 4+2 यानी 6 आवर्स का डेली आप टाइम टेबल अपना रखें। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो ये आप टाइम टेबल बनाते हैं, 1.5 आवर एक स्लॉट, 1.5 आवर का दूसरा स्लॉट, और तीसरा स्लॉट 1 आवर का, यानी 4 घंटे। और पेपर से एग्जाम से 2 महीने पहले आप जो है इसको 6 घंटे तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात, जो 11th-12th के बच्चे हैं, क्योंकि थोड़ा सीनियरिटी लेवल इसमें बढ़ता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, यानी 6 घंटे। 6 घंटे आप डेली पढ़ें, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में टाइम जब आप स्कूल से आते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करें, पढ़ें 2 घंटे, फिर आप खेलें चलें, और 2 घंटे ऐसे ही रात में पढ़ें। लेकिन जब आपके 2 महीने रह जाएं एग्जाम के 2 महीने पहले, तो जो ये आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं 11th-12th के बच्चे, उसमें 4 और जोड़ दें। ये 4 आवर्स जो है रिवीजन के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल जो है 8 घंटे, ये करीब 8 से 10 घंटे, मतलब 6+4 10 घंटे आप पढ़ें। अब अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2 से, इसका मतलब 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। और जब उस कॉम्पिटिशन के करीब 2 महीने पहले तक आप उसकी तैयारी करेंगे, 2 महीने जब बच जाए, तो तब उस समय आप
इस 10+4 यानी 14 आवर्स का आप अपना टाइम टेबल रखिए, लेकिन ये टाइम टेबल स्मार्टली आप फॉलो करें। अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई का ही रखें, ऐसा ना करें कि सोच विचार में या फालतू की चीज़ें मतलब बात करने में या इधर उधर की चीज़ों को सोचने में आप अपना समय व्यतीत करें, अदरवाइज तो आपको जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। बच्चों ध्यान रखें, जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है। मैं आपको बता दूं, पढ़ने से ज़्यादा आसान काम कोई नहीं है। आप ये देखिए, सबसे अच्छा आराम से बैठ कर के किताबों में खोए रहना, पढ़ना। दूसरी चीज़, अभिभावकों से भी मेरा एक निवेदन है, जो गार्जियंस है वो अपने बच्चों की पढ़ाई में जब वो टाइम टेबल बनाते हैं मीन में एक ना निकालें, मतलब कमियां ना निकालें। आप क्या करें, बच्चों की बातों को समझें और बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से उसका टाइम टेबल बना दें। टाइम निर्धारित करें, लेकिन वो किस समय पढ़ता है उस चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें बच्चों से, मेरा विशेष तौर से जो मेरे युवा दोस्त हैं वो बस इतना ध्यान रखें बच्चों, सुबह सूर्योदय के बाद आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि बिस्तर उस समय छोड़ें। सूर्योदय से पहले ही यानी सनराइज से पहले ही आप अपना बिस्तर छोड़ दें। अपनी दैनिक क्रियाओं के बाद पढ़ाई पर सीधे अपने जाएं, और ऐसे ही रात में भी आप जो है थोड़ा देरी से ना सोएं, जल्दी सो जाएं। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक सम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यही छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो दिस इज द टोल फ्री हाईवे टू गेट द सक्सेस। एक स्मार्ट टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिएगा। केवल इतनी बातों के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।